नमस्कार दोस्तों, मैं आज का एक और नई वीडियो लेके दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ऑल जोन की, जोन वन की बात हो, जोन टू की बात हो, जोन थ्री की बात हो, जोन फोर की बात हो, दोस्तों जो हमने कल परसों वीडियो बनाई थी उसमें हमने 120 की बात की थी, 102 की बात की थी, 103 की बात करेंगे। आज ऑल इंडिया की जितनी भी जिन्होंने 1 दिसंबर को एग्जाम दिया है उनके बारे में आज हम आपको सही सही और जो हमारे पास जानकारी है, क्योंकि लगभग हर एक जून के जो वॉयज हैं उन्होंने हमें कमेंट किए हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं और वैकेंसी के हिसाब से हमें पूरी जानकारी है। दोस्तों आज हम आपको ऑल इंडिया की जितनी भी 1 दिसंबर को जिनके एग्जाम हुआ था उनकी कितनी वैकेंसी है और कितने वॉयज इनके सिलेक्ट हुए हैं और कितना इनका मेरिट जा सकता है, आज हम आपको जुंट बाय जुंट बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, वीडियो को लाइक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, दोस्तों दोनों में से एक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका कितना कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमें पिछले साल का भी एक्सपीरियंस है कि पिछले साल कितना गया था, हमें पूरी जानकारी है। तो अगर आप टीए में जाना चाहते हो, टीए की कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि इनका जो मेरिट है कितना जा सकता है, इनका कट ऑफ कितना जाएगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले जोन थ्री की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं जोन थ्री की सिर्फ एक ही भर्ती हुई थी, 107 की। 107 की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी है 85 इसकी टोटल वैकेंसी है, तो इसका कितना जो कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों क्योंकि ये जोन थ्री की सिर्फ एक ही भर्ती हुई थी, इसमें जोन थ्री के सभी वॉयज आए थे, तो लगभग इसमें कट ऑफ हाई जाने का हमें जो हमें हमारे पास न्यूज पहुंची है कि हाई कट ऑफ इसका जाएगा इस बार। दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं 16+ जाएगा। दोस्तों जिसके भी 160 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं उसके आपको बता दूं उसका नंबर पक्का है दोस्तों, क्योंकि जो भी हमें बॉयज ने कमेंट किए हैं, 107 की बात करें जो आपकी स्क्रीन पर जो जूनटे दिखाई दे रही है, इनके जो कमेंट आए हैं लगभग सभी ने अपने 35 से लेके 40 क्वेश्चन ठीक बताए हैं। तो लगभग हम आपको बता दूं अगर आपके फिजिकल के नंबर हैं तो अगर हम 40 भी क्वेश्चन आपके ठीक करें तो आपके 18 नंबर बनते हैं, और फिजिकल के 100 हों तो 180 आपके मार्क्स बनते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं बहुत ही हाई मेरिट जाने वाला है, क्योंकि इसकी एक ही भर्ती हुई थी और सभी वॉयज इसमें ही आए थे, तो 85 जो वैकेंसी है वो भी कम है एक जोन के लिए, तो इसका 16+ मेरिट जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं अब जोन टू की बात करें तो जोन टू की 2 ही भर्तियाँ हुई थी, तो 153 की बात करें तो 153 की जो वैकेंसी है इन दोनों में सेम ही है, 120 की भी जो वैकेंसी है वो है इनकी सेम, 71 इनकी वैकेंसी है। जोन टू में जो मेरिट है दोस्तों वो क्योंकि जो एक ही डेट को 2 भर्तियां हुई थी तो लगभग आधे बॉयज इधर चले गए थे, आधे 120 में चले गए थे, इसलिए इनका जो मेरिट है वो ठीक ठाक ही जाएगा, क्योंकि आधे बॉयज इसमें चले गए होंगे, आधे इसमें चले होंगे, क्योंकि डेट की जो भर्ती थी वो एक ही थी। दोस्तों अगर आप ट्रेनमैन या जीडी के हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ट्रेनमैन या क्लर्क के हो आप भी नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो रिजल्ट का मेरिट कितना जाएगा, आप पूछ सकते हैं अपनी जुंट और अपना जो भी आपने ट्रेनमैन या क्लर्क में देखिए आप भी पूछ सकते हो, आज हम आपको जीडी की बता रहे हैं। दोस्तों इनका जो मेरिट है मैं आपको बता दूं इनका 50+ जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इनकी 71 वैकेंसी है तो लगभग जो मैं आपको बता देता हूं 50 के पार जो बॉयज हैं उनके 35 से लेकर 40 क्वेश्चन हैं, और जो आपको बता दूं बाकी जो बॉयज बचे हैं 20 या 21 जो बॉयज बचे हैं उनके होंगे, किसी के 30 होंगे, किसी के 25 होंगे, उनका नंबर आ सकता है। और मैं आपको बता दूं 50 जो बॉयज हैं उनके 35 से लेकर 40 तक क्वेश्चन ठीक है। जोन टू के जोन फोर की बात करें तो मैं आपको बता दूं जोन फोर की 4 भर्तियां हुई थी, काफी भर्तियां हुई थी जोन फोर की, तो इनकी जो वैकेंसी है लगभग इनकी सभी 1, 2, 3 की डेट एक की थी और जो 72 है इसकी डेट अलग थी, तो लगभग मैं दोस्तों बता दूं जोन फोर का भी कम ही जाएगा, क्योंकि इनके जो वॉयज हैं वो बहुत ही चार भर्तियां बहुत ही होती हैं एक जोन के लिए, 4 भर्तियां बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो लगभग वॉयज भी कम ही होंगे। जोन फोर का मेरिट है लगभग 140 के पार ही जाएगा आएगा दोस्तों, आपको यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 140 के पार मेरिट जाएगा जोन फोर का दोस्तों, कोई भी जोन हो इसमें 4 में से, क्योंकि कोई भी आप एसएससी देख लो कोई भी हाई मेरिट जाता है, कहीं के भी हो, जोन टू के हो, जोन वन के हो, लगभग आप कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है, कोई भी ऐसी आर्मी नहीं है जिसमें आपको कम मेरिट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं अब बात कर लेते हैं जोन वन की, काफी जो आपको बता दूं वैकेंसी है सबसे ज्यादा जोन वन की वैकेंसी थी और 3 जूनों की भर्ती हुई थी। अब जम्मू कश्मीर की भी बहुत ही ज्यादा जो भर्तियां हुई थी उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, उसकी भी जो भर्तियां 5 तो उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया के जो है इनकी जो आपको वैकेंसी के हिसाब से देखे जाए, तो दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूं कि जिसके 35 या 40 क्वेश्चन हैं आप कोई भी जोन से हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, वैकेंसी कम है, भर्तियां कम हुई थी, तो आपको मैं बता दूं जो भी वॉयज हैं 160
कि वो 60 के ऊपर जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ है, वो भी सेफ है, उसका पक्का आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 160 भी आपको बता दूं 30 क्वेश्चन ठीक होंगे तो होगा 160। तो अगर आपके 160 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हो सकते हैं, इसके नीचे बन रहे हैं तो आपका 50-50 हो सकता है कि आपका मार्क्स आ भी सकता है या नहीं, नंबर आ सकता है जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। 150 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका 50-50 है दोस्तों। जिनके वॉइस के नंबर कम है, जिनके क्वेश्चन गलत हैं, वो हमें नीचे गाली देंगे। अब गालियाँ जितनी मर्जी दो, हम आपको बिल्कुल सच बताएंगे, आपको हम बिल्कुल सच बताएंगे। हम आपको 130 का भी मेरिट बता सकते थे जो बॉयज कम है उनको, आपको 130 का मेरिट भी बता सकते थे जो बॉयज जिनके नंबर कम है उनको भी खुश कर सकते थे। हमने आपको सही बताया है, जो हमारे पास जानकारी थी हमने बिल्कुल आपको सही बताई है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक या डिसलाइक करके जाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।